नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को जलापूर्ति और सीवर से जुड़ी 543 करोड़ रुपए की योजना की दी सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के जलापूर्ति और सीवर से जुड़ी 543 करोड़ की अलग अलग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है, जिसके तहत यह परियोजनाएं केंद्र की नमामि गंगे और अमृत योजना से जुड़ी हुई है, जिसमें पटना की बेहूर और कर्मलीचक सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के अलावा सिवान, छपरा, मुंगेर, जमालपुर, मुजफ्फरपुर से जुड़ी परियोजनाएं शामिल है। पीएम बेउर और कर्मलीचक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन कर चुके हैं। नगर परिषद सिवान और छपरा नगर निगम की जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किया गया है। वहीं मुजफ्फरपुर में रिवर फ्रंट विकसित करने और मुंगेर नगर निगम और जमालपुर नगर परिषद की जलापूर्ति योजना का भी शिलान्यास किया गया है। प्रधानमंत्री 10 और 13 सितंबर को मत्स्य विभाग और पेट्रोलियम से जुड़ी परियोजनाओं का शुभारंभ कर चुके हैं। इसके साथ ही से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी उन्होंने कर दिया है। लालू प्रसाद यादव की जमानत पर सीबीआई ने फंसाया दांव पेच। लालू प्रसाद यादव को लेकर परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। लालू यादव के वकील ने यह दावा किया था कि अक्टूबर में लालू प्रसाद यादव को बेल मिल सकती है, लेकिन अब सीबीआई ने अदालत में हलफनामा दायर कर लालू की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी है। मिली जानकारी के अनुसार सलाखों के पीछे चल रहे लालू प्रसाद यादव की जमानत को रोकने के लिए सीबीआई ने अदालत में अर्जी पेश कर दी है, जिसमें किसी भी मामले में सलाखों के पीछे की अवधि पूरी नहीं होने का तर्क देकर सीबीआई ने जमानत का विरोध किया है। चाईबासा कोषागर से गलत तरीके से निकासी के मामले में लालू की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में 9 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई को लेकर सीबीआई ने अपना पक्ष हाईकोर्ट में दाखिल कर दिया है। देश में संक्रमण से स्वस्थ हो चुके मामलों में बिहार पहुंचा 8वें पायदान पर। देश में स्वस्थ हो चुके कोविड-19 प्रभावितों में बिहार को 8वां स्थान मिला है। बिहार में स्वस्थ हो चुके कोविड-19 मरीजों की संख्या वर्तमान में 1,43,053 पर पहुंच गई है, जबकि 7 राज्यों में बिहार से अधिक कोविड-19 संक्रमित मरीजों का इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं बिहार में कोविड-19 संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर देश में सबसे ज्यादा है। महाराष्ट्र में 7,40,061 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं आंध्र प्रदेश में 4,67,140, तमिलनाडु में 4,47,386 और कर्नाटक में 3,52,958 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में 2,39,485, दिल्ली में 1,84,698 और पश्चिम बंगाल में 1,75,139 मरीज कोविड-19 संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। कोविड-19 की देश में वर्तमान स्थिति के अनुसार पूरे देश के मुकाबले बिहार में संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 13% अधिक है। दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी। बिहार से दिल्ली सफर करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी। कोविड-19 के इस माहौल में दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर पेश की गई है। सहरसा सहित बिहार के पास रेलवे स्टेशन से दिल्ली के लिए क्लोन ट्रेन रवाना की जाएगी, जिसके तहत सहरसा से नई दिल्ली के लिए ट्रेन संख्या 02553 सुबह 5 बजे खुलकर अगले दिन सुबह 5:10 पर नई दिल्ली पहुंचेगी। वापसी में नई दिल्ली में ट्रेन संख्या 02554 दोपहर 1:30 बजे खुलकर अगले दिन शाम 6:15 पर सहरसा पहुंचेगी। दरभंगा से क्लोन ट्रेन सुबह 6:30 बजे खुलकर अगले दिन 4:50 पर दिल्ली पहुंचेगी। वहीं मुजफ्फरपुर से यह ट्रेन सुबह 9:40 पर खुलेगी और अगले दिन 5:45 पर आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी। आनंद विहार टर्मिनल से क्लोन ट्रेन दिन के 12 बजे खुलकर अगले दिन सुबह 10:30 मुजफ्फरपुर पहुंचेगी। बिहार में फिशरीज का कोर्स करने वाले सीधी बहाली के जरिए बनेंगे अधिकारी। बिहार में इंडस्ट्रियल फिश एंड फिशरीज की पढ़ाई करने वाले छात्रों को अब सीधे अफसर की उपाधि दी जाएगी, जिसके तहत इसे मछली उत्पादन के क्षेत्र में तो सफल होंगे ही बल्कि उत्पादकों को सरकार की योजना और तकनीकी जानकारी भी मिल पाएगी। बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन सेवा भर्ती नियमावली 2007 में संशोधन कर बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन सेवा भर्ती संशोधित नियमावली 2020 के प्रारूप को हरी झंडी मिल चुकी है। इसके साथ ही निरीक्षक एवं मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक पद के लिए विकास पदाधिकारी में समायोजन कर दिया गया है, जिसके लिए SDO की तैनाती प्रखंड में होगी। जिला मत्स्य पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया है कि प्रखंड में मत्स्य विभाग का कार्यबल काफी कम है। SDO के आने के बाद मछली उत्पादकता को सरकार की योजना अनुदान सहायता के साथ साथ तकनीकी जानकारी दी जाएगी, जिससे रोजगार की संभावना बढ़ेगी। मौसम विभाग ने पटना समेत कई जिलों में बारिश की जताई संभावना। राजधानी पटना में हुए झमाझम बारिश के बाद एक बार फिर से बारिश के आसार उत्पन्न होते दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने इसके अलावा कुछ और जिलों में भी बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई है। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे में कटिहार, पूर्णिया के अलावा कई जगहों पर भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जगाई गई है। इसके साथ ही सूबे के अधिकतर भाग में बादल छाए रहेंगे। पटना, गया और भागलपुर में भी आंशिक बारिश होने के आसार है। इसके साथ ही बिहार के उत्तर पूर्वी भाग में 1-2 जगह पर पिछले 24 घंटे में भारी बारिश हुई है। देर रात से मौसम में यह बदलाव आ गया है। बादलों के गरजने के साथ मूसलाधार बारिश हुई है, जिससे जनजीवन पर काफी असर पड़ा है। पर चुनाव आयोग ने जताई नाराजगी। उत्तर बिहार के जिलों में सुरक्षा के लिए किए गए आकलन पर चुनाव आयोग ने नाराजगी जाहिर की है, जिसके तहत आयोजित बैठक के दौरान अधिकारियों ने प्रतिबंध के सामानों के मिलने पर आपत्ति जताई है, खासकर उन जिलों में जिसकी सीमा दूसरे देश या किसी राज्य से सटी हुई है, जिसको आयोग ने लेकर बेहद ही चिंताजनक बताया है। बिहार के कई जिलों में मदिरा का वितरण अभी भी काफी हद तक किया जा रहा है। जिलों के पुलिस अधिकारियों से जब इस बात में जवाबदेही मांगी गई तो सभी अधिकारी
मौन दिखाई दिया। हालांकि उपनिर्वाचन आयुक्त ने ऐसे तत्वों की शिनाख्त करने और सख्ती से पेश आने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री मोदी 21 सितंबर को महात्मा गांधी सेतु के समानांतर बनने वाले 4 लेन पुल का करेंगे शिलान्यास। महात्मा गांधी सेतु के समानांतर बनने वाले 14.5 किलोमीटर लंबे 4 लेन पुल का शिलान्यास 21 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। गांधी सेतु के पश्चिमी हिस्से में बनने वाले इसके निर्माण में 2,926 करोड़ रुपए लागत का प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। पुल निर्माण की जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्ट SP सिंगला को दे दी गई है। पथ निर्माण विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री दिल्ली से इसका शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित कई केंद्रीय मंत्री और बिहार सरकार के मंत्री ऑनलाइन मौजूद रहेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में अब बसपा, झामुमो और वामदल भी होंगे महागठबंधन का हिस्सा। बिहार में महागठबंधन का आकार अब बड़ा होने वाला है। बिहार के महागठबंधन के साथ दूसरे राज्यों के भाजपा विरोधी पार्टियां भी जुड़ने वाली हैं। इसके लिए राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने इसकी पहल शुरू कर दी है। उनकी सलाह पर तेजस्वी यादव इस मुहिम में लगे हुए हैं। इस सिलसिले में झारखंड मुक्ति मोर्चा से बात हो चुकी है। झारखंड के CM हेमंत सोरेन ने राजद के साथ मिलकर बिहार में चुनावी मैदान में उतरने की घोषणा कर दी है। वहीं अब नई पहल बहुजन समाजवादी पार्टी को मिलने की हो रही है। भाजपा के खिलाफ बने इस गठबंधन से राजनीतिक दलों ने किनारा किया है तो राजद के साथ सिर्फ कांग्रेस बच गई है। इसके साथ ही मुलायम सिंह ने पूरी तरीके से नाता तोड़ दिया था। उसके बाद दूसरे राज्यों के कई दलों ने अपना हाथ भी खींच लिया था, लेकिन अब तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से गठबंधन के कैनवास को बढ़ाने का फैसला लिया है। रघुवंश बाबू को अपमानित करने के लिए तेज प्रताप पर सख्ती से पेश आने की जीतन राम मांझी ने की मांग। रघुवंश प्रसाद सिंह ने कुछ दिनों पहले दुनिया को अलविदा कह दिया था। हालांकि उनके नाम पर अब राजनीति जोर शोर से देखने को मिल रही है। हम के प्रमुख जीतन राम मांझी ने रघुवंश प्रसाद सिंह के दुनिया को अलविदा कहने पर सवाल उठाया है। मांझी ने सोशल मीडिया पर जारी अपने एक बयान में लालू प्रसाद यादव के परिवार को निशाने पर लिया है और कहा है कि लालू परिवार के अपमान के कारण रघुवंश बाबू की जान गई है। रघुवंश बाबू ने दुनिया को अलविदा नहीं कहा है, लेकिन लालू परिवार की साजिश की वजह से उनका यह हाल हुआ है। रघुवंश बाबू को लेकर तेज प्रताप के अपमानित करने वाले बयान पर लालू प्रसाद यादव को सख्ती से पेश आना चाहिए। रघुवंश बाबू को अपमानित करने वाले लालू परिवार आज झूठे आंसू बहा रहा है। आपको बता दें, रामा सिंह को पार्टी में शामिल करने के फैसले से नाराज रघुवंश प्रसाद सिंह ने अपना इस्तीफा राजद को सौंप दिया था, जिस पर तेज प्रताप यादव ने रघुवंश प्रसाद सिंह को लोटा और राजद को समुद्र बताया था। नाई की दुकान चलाकर गुजारा करने पर मजबूर है यह राष्ट्रीय खिलाड़ी। देश में जहां खिलाड़ियों ने भारत के साथ साथ अपने जिले का नाम भी रोशन किया है, वहीं कुछ खिलाड़ी ऐसे भी है जो खाने खाने को मोहताज है। बिहार सरकार खिलाड़ियों को लेकर भले ही लाख दावे कर ले, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां करती है। खो खो में 8 बार राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिता में बिहार का नेतृत्व कर चुके खिलाड़ी आज नाई का काम करने पर मजबूर है। इतना ही नहीं, नाई का काम करके घर बार चला रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी उनका हौसला कम नहीं हुआ है। खिलाड़ी दुकान चलाने के साथ साथ अपने गाँव के लोगों को खो खो का प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। सरकार के इस दावे को आईना सीतामढ़ी के रहने वाले कमलेश कुमार ने दिखाया है। सीतामढ़ी के परिहार प्रखंड के सुरगिया गाँव के रहने वाले कमलेश 8 बार राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में बिहार का नेतृत्व कर चुके हैं। 153 करोड़ की लागत से 25 महीने में बनेगा समाहरणालय भवन। पटना समाहरणालय भवन का शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल करने वाले हैं, जिसके लिए जिला प्रशासन पूरी तैयारी कर चुकी है। 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी, 18 सितंबर से निर्माण कार्य के लिए घेराबंदी शुरू करने वाले हैं। इधर DM कुमार रवि ने भवन निर्माण के कार्यपालक अभियंता को काम करने के लिए सभी तैयारी पूरी करने का निर्देश दिया है। भवन निर्माण पर 153 करोड़ 53 लाख 14,509 रुपए खर्च किए जाएंगे, जिससे 25 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। रांची की एजेंसी को वर्क ऑर्डर दिया गया है। पटना हाईकोर्ट ने समाहरणालय का निर्माण कार्य शुरू करने के पक्ष में 9 सितंबर को फैसला सुना है। समाहरणालय हेरिटेज बिल्डिंग है या नहीं, यह मामला 1 साल से लगातार चलता आ रहा है। पशुपति कुमार पारस आए COVID-19 की चपेट में। मॉनसून सत्र के शुरुआत में लगभग 25 सांसद COVID-19 के चपेट में आ चुके हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद पशुपति कुमार पारस का नाम भी इसमें शामिल है। उन्हें फिलहाल इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। हालांकि अब उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। हाल के दिनों में अपने कॉन्टैक्ट में आने वाले लोगों से उन्होंने COVID-19 जांच कराने का आग्रह किया है। आपको बता दें, पशुपति कुमार पारस लोजपा के टिकट पर हाजीपुर सीट से चुनाव जीते थे। उन्होंने साल 2019 लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के उम्मीदवार शिवचंद्र राम को 2 लाख वोट से हराया था। संसद के मॉनसून सत्र से पहले लगभग 25 सांसद COVID-19 संक्रमित पाए गए हैं, जिसमें लोकसभा के 17 और राज्यसभा के 8 सांसद की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। IPL शुरू होने से पहले BCCI अध्यक्ष पहुंचे शारजाह स्टेडियम। IPL शुरू होने में बस कुछ ही दिन बचे हैं, ऐसे में शुरुआत होने से पहले ही BCCI अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने शारजाह क्रिकेट स्टेडियम पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया है। BCCI अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने UAE में अपना 6 दिनों का क्वारंटाइन पीरियड खत्म करने के बाद शारजाह स्टेडियम का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ IPL चेयरमैन बृजेश पटेल, पूर्व IPL चेयरमैन राजीव शुक्ला भी मौजूद थे। COVID-19 के दौर में IPL को आयोजित करने की चुनौती को स्वीकार करते हुए यूनाइटेड अरब अमीरात की सरकार ने इसकी अनुमति दे दी है। इसके टूर्नामेंट के सभी मैच दुबई, शारजा और अबू धाबी में खेले जाएंगे। इतना ही नहीं, पहला मैच मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच 19 सितंबर को आयोजित होने वाला है। कंगना ने जया बच्चन से किया सवाल। बॉलीवुड में
एनसीबी को लेकर किए गए टिप्पणी के बाद राज्यसभा में जया बच्चन के बयान पर कंगना रनौत ने जवाब दिया है। कंगना ने कहा है कि जया जी, अगर सुशांत की जगह आपके बेटे अभिषेक होते तो, और मेरी जगह आपकी बेटी श्वेता होती, तब भी आप यही कहती? जिस तरह से लोकसभा में भाजपा सांसद रवि किशन ने बॉलीवुड में एनसीबी की तरफ से उठाए गए मुद्दे को उठाया था, जिस पर समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद जया बच्चन बोल रही थी, इस दौरान उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने फिल्म इंडस्ट्री के सहारे ही नाम कमाया है वो इसे गटर कह रहे हैं। इसके तुरंत बाद ही कंगना की प्रतिक्रिया भी आ गई। कंगना ने ट्वीट में कहा कि जया जी, क्या आप तब भी यही कहती अगर मेरी जगह आपके बच्चे होते? हमदर्दी हमसे भी दिखाइए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में कोविड 19 से ठीक होने वालों की संख्या में बढ़ोतरी होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।